हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 नवंबर की करंट न्यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि मेघालय के तुरा में पश्चिम गारो हिल्स जिले में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगबा, ठीक है, उनके द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, कि सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना, ताकि सभी पहलुओं पर शासन में सुधार हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो ली गई है वो लाइव मिंट से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, पीएम किसान सम्मेलन, सम्मान सम्मेलन 2022 पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में, कहाँ पर याद रखना है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। मुख्य बिंदु की इसकी 12वीं किश्त जारी की गई है। पूछा जाता है कौन सी किश्त, पीएम द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान जो केंद्र है इनका भी उद्घाटन किया गया। योजना के तहत 8.5 करोड़ अधिक किसानों को 16,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक भी लॉन्च किया गया, और इसी आयोजन में भारत यूरिया बैग भी लॉन्च किया गया। भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए 1 नवंबर 2018 को पीएम किसान शुरू किया गया था। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये ली गई है द हिंदू से। द हिंदू की जो न्यूज़ है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। थर्ड जो करंट न्यूज़ है वो आ जाते हैं, रिलायंस जियो अगस्त में BSNL को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा लैंडलाइन सेवा प्रदाता बन गया। चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब TRAI द्वारा जारी 31 अगस्त तक 7.35 मिलियन लैंडलाइन कनेक्शन के साथ जियो फाइबर देश की सबसे बड़ी लैंडलाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे कौन बन गई है, रिलायंस जियो, दूसरे नंबर पे कौन है, BSNL, तीसरे नंबर पर कौन है, MTNL, याद रखना है। सुनील मित्तल के नेतृत्व में भारतीय एयरटेल द्वारा अगस्त में 0.3 मिलियन नवीन ग्राहक जोड़े गए। जो ये ट्राई है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अध्यक्ष राम सेवक शर्मा और सचिव सुनील के गुप्ता। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसकी फुल फॉर्म है, ट्राई की, ठीक है, TRAI की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ कहाँ से ली गई है, बिजनेस स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट करंट न्यूज़ आ जाती है, इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM3 ने 36 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। चर्चा में क्यों है, 23 अक्टूबर को किया है क्योंकि ये, और ये उपग्रह ब्रिटिश कंपनी कौन सी है, वन वेब, याद रखना है, ब्रिटिश कंपनी वन वेब, ये उपग्रह ब्रिटिश कंपनी वन वेब के थे, जिन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रेषित किया गया। वन वेब ब्रिटिश स्थित एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है, मतलब प्राइवेट, ठीक है, जिसमें भारत का भारतीय एंटरप्राइजेज एक प्रमुख निवेशक है। वन वेब के 36 उपग्रह के एक और सेट को जनवरी 2023 में कक्षा में स्थापित करने की योजना चल रही है। तो पूछा जा सकता है कब, जनवरी 2023 में। LVM3 जो है लॉन्च वेकर Mark 3, मतलब, ठीक है, भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिसे जियोस्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वेकर Mark 3 के नाम से जाना जाता है। यह 23.5 मीटर लंबा है, 644 टन वजनीय है। इस बार जो है कितने किलोग्राम वजन का गया है, तो 5,796 किलोग्राम वजन ले गया, ये ले गया इतना वजन, और यह जो क्षमता रखता है वो 8,000 किलो वजन ले जाने की क्षमता रखता है। ये न्यूज़ कहाँ से ली गई है, बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है। नेक्स्ट करंट न्यूज़ आ जाती है, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बने नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर। चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत में क्रिकेट संघ CABI द्वारा भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को तीसरे ब्लाइंड T20 विश्व कप के लिए अथवा ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। 6 से 17 दिसंबर के बीच भारत में आयोजित होगा। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप समर्थनम ट्रस्ट की एक पहल है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है, कौन सी ट्रस्ट है, जो वर्ष 2012 से चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। न्यूज ली गई है टाइम्स ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, ऋषि सनक 2 सदियों से ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो ऋषि जो सनक है उनको यूके के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री है,
और ये किसकी जगह आई है, तो ये लिजिट्रूस के स्थान पर आया है। लिजिट्रूस को क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि इनको टैक्स कटिंग के विफल होने पर इनका इस्तीफा दिया गया। जो ऋषि सुनक है इनके माता पिता तो भारतीय मूल के तथा 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका के रास्ते यूके पहुंचे थे। ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है, बस इतना ही है। नेक्स्ट आ जाती है न्यूज़, दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग मिला है, इंपॉर्टेंट। चर्चा में क्यों है, लक्षद्वीपिया में दो समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबर ब्लू फ्लैग टैग प्रदान किया गया। प्रमुख बिंदु लक्षद्वीप में मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच द्वारा जो है ये क्या किया गया, ये ब्लू टैग जो है दिया गया था। इसमें लिखा है ना कि ब्लू टैग फ्लैग टैग मिला है दो भारतीय समुद्र, तो कौन से है, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को, ये ब्लू बीच है, ब्लू बीच ठीक है, द्वारा ब्लू बीच को की सूची में प्रवेश किया गया है। इन दो समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा की पहल प्रदान करने के लिए जो कर्मचारी को टैग दिया गया। भारत में अगर कहें तो वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के साथ समुद्र तट है, तो 12, याद रखना है 12। नाम पढ़ लेते हैं हम, शिवराजपुर जो है गुजरात में है, गोल्डन बीच पे जो ओडिशा में है। गोल्डन बीच की खास बात है कि यह इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना बीच है जिसे ब्लू टैग दिया गया। एक है आपका ये घोघला द्वीप ठीक है, जो द्वीप में है कासरकोड और पुदुवृद्धि, दो है ये कर्नाटक में कप्पड़ केरल में, ऋषिकेंडा का आंध्र प्रदेश और राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कोवलम तमिलनाडु में है, इडन पुदुचेरी में है। और 2021 में जो ये कोवलम इडन है इन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया 2021 में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है गैर लाभकारी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन मतलब FEE के द्वारा प्रदान किया गया है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया पूछा जा सकता है। 1985 में शुरुआत हुई थी, चार मुख्य मानदंडों पर को यह बढ़ावा देता है। कैसे, एक तो पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से मीठे पानी समुद्री क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। 2001 की बात करें तो यूरोप के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्यों, क्योंकि ली गई है द हिंदू से, और द हिंदू की जो न्यूज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आपको भी पता है। तो आज की न्यूज़ हो जाती है हमारी कंप्लीट, स्टार्टिंग से दिखानी, वो वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है ठीक है। और आपको ये नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको, अगर आप कहते हो PDF तो करंट की PDF नहीं ठीक है, क्योंकि आपको ये खुद लिखोगे तो आपको आधे क्वेश्चन कुछ समझ आएंगे। और प्री एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, तो खुद ही चारों ऑप्शन देखकर अगर आपने खुद अपने हाथों से लिखे है ना न्यूज़, तो आइडिया हो जाता है कि कौन सा सही है। और आपको ये जो है, जैसे नवंबर अब ख़त्म होने वाला है, तो आपको सारे क्या करने हैं, रिवाइज़ कर लेने हैं जितने भी मैंने आपको वीडियो बना के ये न्यूज़ दी है, अगर आपने नोट किया कॉपी में तो आपको रिवाइज़ करते चल लेना है। और इनके सिवा अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो तो आप मंथली बुक लो, जो कुरुक्षेत्र और योजना आती है ठीक है, आपको उन दोनों को भी एक बार नज़र से डाल लेनी है, ताकि करंट की आपकी कोई सी भी प्री में न्यूज़ ना छूटे।